समस्त सांप चढ़नु का चुनाव संपन्न होने के पश्चात अब सब लोगों की निगाहें आने वाली 4 जून को है, क्योंकि 4 जून को देश के प्रधानमंत्री की सीट का फैसला जनता जनार्दन के हाथों में होना। इसी कड़ी में बता दें कि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो जनपद मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव 2024 का प्रथम चरण यानी 19 अप्रैल को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया था। चुनाव सकुशल संपन्न होने के पश्चात कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ था। इसी कड़ी में जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत व काम चौधरी जिलाधिकारी आवास पर पहुंचे। 4 जून की होने वाली मतगणना को लेकर निष्पक्ष मतगणना कराने हेतु तो बातचीत की गई। आपका नाम? चौधरी श्याम सिंह, लठवाड़ा खाप, थम्बा बाबरी। आज डीएम साहब से मिले हैं, किस तरह की चर्चाएं आप लोगों की हुई? डीएम साहब से मिले, जिले की शांति बहाली के लिए मिले। जिले में 19 तारीख में चुनाव संपन्न हुआ था, बड़ी शांतिपूर्वक और ईमानदारी से चुनाव हुआ। कोई की किसी तरह की कोई गड़बड़ी, कोई आशंका कुछ नहीं हुई। इसी प्रकार से समाज चाहता है, हम भी चाहा कि भाई जिस प्रकार से चुनाव संपन्न हुआ था उसी प्रकार से 4 तारीख में गिनती कराई जा, जिसे जनता ने वोट दे रखी वो भी यही होगा। देखिए, आप ही गठौला खाप के बड़े जिम्मेदार जी, हैं जी। चौसा नरेश सिंह जी बलियान खाप के जिम्मेदार हैं जी। तो क्या कारण रहा है जो आपको आज यहाँ डीएम साहब से मिलने की जरूरत? देखो, यू हमने पहले भी जो विधानसभा के चुनाव पे हुए थे पहले, हमने उसमें भी आग्रह किया था सरकार को, शासन प्रशासन को, भाई किसी तरह का भी जनता के बीच में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे जनता दिक्कत पैदा हो और जनता रोड़ पावे। दोनों ही प्रत्याशी समझदार हैं, दोनों प्रत्याशी समझदार हैं, कोई भी हो जाए। क्यों लगता है आपको? हमारे लिए सब बराबर हैं, हमें किसी का पक्षपात नहीं है, ना हम पक्षपात करें। चौधरी साहब ने तो वोट भी नहीं करी है, हम तो यही कहें कि जिस प्रकार से चुनाव संपन्न हुआ उसी प्रकार से गिनती संपन्न हो जाए और जिसे जीत परमात्मा समाज देगा उसे वही मिले। प्रत्याशियों से बात हुई आपकी? प्रत्याशियों से बात होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्याशी दोनों प्रत्याशी अपने ही हैं, अपने ही रहेंगे। हार जीत या सब नसीब की है, जिसके नसीब में है उसे विजय जरूर मिलेगी। चौधरी साहब ने वोट नहीं किया, इसका क्या कारण है? नहीं नहीं क्या, मन है इनका, मन है इनका। आज तो पसंद भी है। आज तो कोई भी खुलने को तैयार नहीं हुआ। अब कैसा चुनाव हमने देखा ही नहीं, अब कोई भी कुछ कहने को तैयार ही नहीं था। डीएम साहब ने कहा भाई ठीक है, जिस प्रकार से चुनाव संपन्न हुआ था उसी प्रकार से गिनती संपन्न हो। ठीक है, सब आज डीएम साहब से मिलना है, क्या मामला? एक तो है कुछ तो किसानों की समस्या है और कुछ 4 तारीख में एक जो परिणाम आ रहे, 4 तारीख में चुनाव गिनती है, जो चुनाव हुए तो इसमें यह बस शांति के तरीके से निष्पक्ष गिनती हो जा, कोई आगे कोई ऐसा ज्यादा विवाद ना हो, छोटी मोटी बातों पर बड़ा झगड़ा हो जा, तो बस यही रही बात। की सब जुम्मन लगता है कि निष्पक्ष काउंटिंग नहीं होगी? भाई एक है बात, भाई जिम्मेदारी जनता की तो जिम्मेदारी है, हमारा भी फर्ज बने जिम्मेदार होने के नाते, भाई प्रशासनिक अधिकारी को डीएम साहब को कहना भाई आगा करना, कुछ ऐसी बात ना हो जा। पता नहीं अगले आने वाले कल में क्या हो जा, हम 2013 में भुक्त भोगी हो रहे इस बात के, बड़ी व्यवस्था खराब हो जा तो हम यह कहें कोई वो नहीं है भाई। विधान साहब क्या कहेंगे जो दिल्ली में भाजपा सरकार बैठी हो, कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर को इस बार वोट सीट मांग रही है, किसी भी तरीके से भाजपा को ये सीट निकालनी है? भाई नहीं, हमें राजनीति में हमें कोई वो नहीं, वो तो जनता की जो है बात, जिन्होंने वोट दे रखी वो उसकी वो है बातचीत, उसमें पेटियों में बंद है इनका जो वो है, जिन्होंने जहाँ वोट दे रखी तो उसमें यू शायद एटीएम कौन सा है, ईवीएम हाँ, तो मशीन भी अलग अलग हुए एक तरीके तो, और नहीं कुछ भी ना इसमें कुछ वो है कोई। पहला चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी का मामला भी सामने आया था, जो मौजूदा सांसद हुई थी, इस बार भी कहीं ना कहीं उस तरह का संदेह? भाई नहीं, जो कुछ पिछले उसमें क्या हुई क्या नहीं, हम ज्यादा नहीं इसमें गहराई में बढ़ते, हम तो यह चाहे माहौल खराब ना हो बस, वहाँ की वही बात है, हमें फिर काफी मुश्किल हो जा काम, जो ये दंगा हो जा कहीं के किसी बात हो जा पता नहीं, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जा, तो सांप्रदायिक जो है बातचीत एक माहौल है, वो जाति बिरादरी का मजहब का कोई ना, सब उसके ऊपर उठ कर और सब एक रहे, बढ़िया रहे बात। क्यों लगता है आपको कि माहौल खराब है?
भाई माहौल खराब होने में क्या लगे, 2013 में माहौल खराब नहीं हुआ। तो आप 2013 के दंगे से क्यों नहीं, हमें नहीं चुनाव तो नहीं कर रहे, पर एक तो बताओ वो दूध का जरा छाव फूक मार के पिए, हमें पता हमें कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना हमारा समय बर्बाद हो गया और अब तक भी नहीं या गाड़ी पटड़ी पाई, फिर भी बहुत वो है दूसरा वो ना कुछ इसी तरह की बात हो जाए, बड़ा बड़ा चुनाव है तो इस उसमें यही है बात, में कोई वो ना हो। सूचना है क्या आपके पास कि भाई दंगा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा? नहीं नहीं, सूचना सूचना कोई नहीं, सूचना क्या भाई, एक तो बताओ सर जिम्मेदारी तो बने सर, सब जिम्मेदार है, कोई ऐसी बात नहीं। दोनों ही प्रत्याशी आपके घर के हैं, चाहे वो रविंदर मलिक जी हो गढ़वाला खाप से या संजीव बालियान खाप से हो, कोई भी ऐसा क्यों? नहीं नहीं कोई वो नहीं है, बातचीत कुछ नहीं, कोई दोनों में तो एक इन्हीं में तो जो जीतता का इन्हीं में तो हार होगी, तो हमने कोई इस बार में कुछ नहीं, बात है तो जनता की बात है, जनता ने